लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे नदी नालों का पानी जमने लगा है। पानी जमने से सतलुज नदी समेत सहायक नदियों में पानी सूखने की कगार पर पहुंच गया है। इसका असर जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाली बिजली उत्पादन पर पड़ा है। देश की सबसे बड़ी भूमिगत पावर स्टेशन 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी से विद्युत उत्पादन 36 मिलियन यूनिट से घटकर 6 मिलियन यूनिट रह गया है। गर्मियों में सतलुज नदी का जलस्तर 1300 क्यूबिक रहता है, जो घटकर केवल 70 क्यूबिक रह गया है। इसी तरह 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना से भी बिजली उत्पाद घटकर करीब 1.5 मिलियन यूनिट रह गया है। ऐसे में उत्तरी भारत के 9 राज्यों को बिजली सप्लाई करने वाली जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली संकट रिकॉर्ड स्तर पर कम हुआ है। बिजली उत्पादन कम होने से उत्तर भारत के राज्यों को बिजली की किल्लत झेलनी पड़ सकती है, लेकिन इस बार बर्फबारी अधिक होने से गर्मियों में नदियों का पानी आशा अनुरूप रहने की संभावना है, इससे बिजली अधिक पैदा होगी। 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन प्रमुख संजीव सूद ने बताया कि बर्फबारी अच्छी हुई है, इससे ठंड बढ़ी है और नदियों का पानी जम कर कम हुआ है। उन्होंने बताया कि नाथपा झाकड़ी में विद्युत उत्पादन वर्तमान में 6 मिलियन यूनिट है, जबकि गर्मियों में बिजली उत्पादन परियोजनाओं में 36 मिलियन यूनिट रहता है। उन्होंने बताया कि सतलुज नदी पर जलस्तर नाथपा झाकड़ी नामक स्थान में इन दिनों 70 क्यूबिक्स है, जबकि गर्मियों में 1300 क्यूबिक्स रहता है। अधिक बरसात के दौरान तो 2000 क्यूबिक्स तक सतलुज का जलस्तर पहुंच जाता है, लेकिन गर्मियों में नदियों में पानी आशा अनुरूप रहने की संभावना है। बर्फबारी होने के कारण आजकल नदी में डिस्चार्ज बहुत कम हो चुके हैं। वैसे तो हर सर्दियों में ही डिस्चार्ज कम होते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा बर्फ गिरी है तो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा कम है। और हमारा जो जनरेशन है वो 1/6 हिस्सा ही हो रहा है जितना जनरेशन हमारा बरसात में होता था। आजकल हमारा 6 मिलियन यूनिट के करीब करीब जनरेशन हो रहा है और भरी बरसात में मानसून के पीरियड में हमारा जनरेशन 36 मिलियन यूनिट के आसपास होता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अच्छा बर्फबारी होने से यह लग रहा है कि किसान भाइयों को तो राहत मिल ही रही है, उनका फसल भी अच्छा होगा। हमारे लिए भी गर्मियों में आने वाले समय में बहुत अच्छा पानी आएगा और अगले चरण हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो बहुत अच्छी रहेगी।